इस समय बॉलीवुड के जो भी फैंस हैं या फिर जितने लोग हिंदी सिनेमा को ज्यादा प्यार करते हैं, ये दुनिया भर की नौटंकी नहीं पेलते, कहते हैं कि ये साउथ सिनेमा है तो ये मास्टरपीस है, कुछ भी बनाए गाड़ी पलटा दे, ये हॉलीवुड है तो बढ़िया है, सारी फिजिक्स सारा ज्ञान तो हम बॉलीवुड को देंगे। ऐसे जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को अगर साइड करते जो बॉलीवुड के सपोर्टर्स होते हैं, उनके लिए ये एक सेलिब्रेशन टाइप का महीना रहा या फिर साल की एक धुआंधार शुरुआत रही है। बिकॉज आपकी पठान मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस के लगभग सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, हिंदी की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर बन गई है हिंदी नेट के अंदर, जिसने 350 करोड़ के करीब कमाई की है और कुछ ही दिन में दंगल को भी बीट करने वाली है। वर्ल्ड वाइड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना से ही दंगल का मात्र 1200 करोड़ के अप्रॉक्सिमेटली बिजनेस हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर, जब बॉलीवुड की मूवीज लगातार फ्लॉप हो रही हो या फिर मूवीज ना चल रही हो, पोटेंशियल पिक्चरें भी ना चल रही हो, ऐसे में सिद्धार्थ आनंद आते हैं अपने वायर अप की अगली पिक्चर लेके स्पाई यूनिवर्सेस को कनेक्ट करते हैं और पब्लिक उसके लिए पागल हो जाती है। ये चीज तो एक बात प्रूफ करती है कि जितने भी लोगों का मानना था कि बॉलीवुड जो है खत्म हो चुका है, पब्लिक को इस पर इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे सिर्फ मिथ ही हैं। पब्लिक आज भी पैसा लुटाने के लिए तैयार है, नंगा नाच भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास चाहिए कंटेंट या फिर वो चीज जो उसे थिएटर में मजा देती हो। आजकल पब्लिक जो है थिएटर में मजे लेने के लिए, सीटी बजाने के लिए जाती है, ना कि वहां पर आंसू बहाने के लिए। ये बात हमारे सिद्धार्थ आनंद चाचा एंड वायरफ चाचा समझ चुके हैं कि पब्लिक की डिमांड पर ही हमें काम करना होगा। लोग स्टोरी या फिर एक्शन, इन सारी चीजों पर सवाल तो बहुत ज्यादा उठाते हैं कि फिजिक्स यहां पर, न्यूटन तो कौन सा ला लगा दिया, लेकिन आपको एक बात जरूर नोटिस हुई होगी कि जब बंदा थिएटर में पिक्चर देखने जाता है तो वो ब्रेनलेस होके जाता है। दैट मींस उसे मजा आ रहा है, कन्विंसिंग लग रहा है, तो तुम गाड़ी को पलटा दो, लोडर उस पर चढ़ा दो, घंटा ही फर्क पड़ता है। और इस चीज को हमारे सिद्धार्थ आनंद साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल किया है, और इससे एक चीज तो प्रूफ होती है कि अब हमको बॉलीवुड के अंदर स्पेशली फिर से वही मास मसाला और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का एक्शन हमको देखने को मिलेगा। खैर, जब एक्शन और मास मसाला मूवीज की बात कर ही रहे हैं तो सलमान खान सर को कोई कैसे ही भूल सकता है, एंड स्पेशली उनकी वायरफ के अंदर टाइगर फ्रेंचाइजी। भाई साहब, पिक्चर जब भी आई थी, पहला पार्ट जब आया था उसने भी रिकॉर्ड बनाया था, सेकंड पार्ट ने भी काफी तगड़ा वाला बवाल काटा था बॉक्स ऑफिस के अंदर, एंड थर्ड पार्ट से इसके लोगों को काफी उम्मीदें थी, एंड कई सारे लोगों को तो ये भी मानना था कि शायद से पठान में कनेक्ट होगी तो और ज्यादा उसकी हाइप बढ़ेगी। लेकिन जब पठान ने इतनी धुआंधार परफॉर्मेंस दी है तो अब लोगों को एक बात तो पता चल चुकी है कि हिंदी सिनेमा किसी बाउंड्री की मोहताज नहीं है। साउथ सिनेमा से जो भी मूवीज आती हैं पैन इंडिया नाम लेके, उन पर हर एक इंडस्ट्री सपोर्ट दिखाती है, स्पेशली हिंदी वाली, तब जाके उनका कलेक्शन इंडिया वाइड जो है 1000 करोड़ के आसपास 700-800 करोड़ पहुंचता है। लेकिन यहां पर पठान स्टैंड अलोन एक इंडस्ट्री से अगर तगड़ा वाला कलेक्शन निकाल के ले जा रही है, दैट मीन्स सारी बाउंड्रीज यहां पर खत्म हो जाती है, और ये बात प्रूफ हो जाती है कि अब पब्लिक ढेर सारी मूवीज में पैसा स्पेंड करने की बजाय सिर्फ एक ही पिक्चर में पैसा स्पेंड करना पसंद करती है, महीने या दो महीने में जब भी आ रही हो, बड़ी पिक्चर आ रही हो। और इसीलिए टाइगर 3 के साथ जो हमारी भावनाएं हैं या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। यहाँ पर पठान को हमने 40 से 45 करोड़ की ओपनिंग में आंका था या फिर 250-300 करोड़ बिजनेस, लोगों का ऐसा मानना था कि पिक्चर अच्छी हुई तो 300 करोड़ तो कमा ही रहेगी। लेकिन पिक्चर जब 10 दिन के अंदर 350 करोड़ से ज्यादा कमा रही हो हिंदी नेट से ही, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भाई साहब पब्लिक पागल है, उसे 2-3 सालों में बॉलीवुड की तरफ से कुछ ऐसा मिला ही नहीं। और अगर प्रॉपर एक्शन वाइज पिक्चर की बात करें तो टाइगर 3 का इसलिए पोटेंशियल इतना ज्यादा हाई हो जाता है जो कि हम सोच ही नहीं सकते। टाइगर 3 के फेवर में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स नजर आते हैं, जैसे कि इसका स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट होना, मूवी का अपने ही आप में एक तीसरा पार्ट होना, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल पब्लिक जो है पार्ट 2 पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, जस्ट लाइक कि दृश्यम 2। एंड थर्ड वाला फैक्टर हमारे सलमान खान सर, अगर आपको सबको याद हो तो उनकी एक प्रॉपर एक्शन वाइज पिक्चर रिलीज हुई थी 2019 में, दबंग 3। हालांकि इसके बाद किसी का भाई किसी की जान लेके आ रहे हैं, पर ज्यादातर अगर आप ऑडियंस की बात करो तो टाइगर 3 की हाइप अलग लेवल पर है। ऊपर से पठान से टाइगर 3 का कनेक्शन, पठान का अच्छा वाला कलेक्शन आना और उसमें शाहरुख खान सर की एंट्री, ये बात सारी प्रूफ करती है कि जब टाइगर 3 आएगी 5 दिन का दिवाली का वीकेंड होगा, बहुत तगड़ा वाला कलेक्शन आने वाला है। और अगर मूवी बहुत ज्यादा क्लिक हो जाती है जस्ट लाइक कि पठान, तो मे बी ये पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है ओपनिंग में या फिर कहीं पर भी। हालांकि ये इतना भी अच्छा या फिर सिंपल नहीं लगता है, बिकॉज आपकी पठान जो कर रही है वो अपने आप में बॉलीवुड की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ऐसा हो पाता है। खैर, टाइगर 3 के साथ अभी तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, अब स्पेशली एक्सपेक्टेशंस तब से और ज्यादा बढ़ चुकी हैं जब से वायरफ के जो स्पाई यूनिवर्स के राइटर हैं उन्होंने ये कहा है कि जिम पर या फिर हमारे खालिद पर, टाइगर पर, कबीर पर, इन सारे कैरेक्टर्स पर एक स्टैंड अलोन
पिक्चर बनाने का इरादा है, जिनमें कुछ फ्लैशबैक वाले सीन्स भी होंगे, कई मूवीज पहले की कहानी से कनेक्टेड होंगी, कुछ फ्यूचर बताएंगी। इस यूनिवर्स को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, तो इसलिए भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है कि टाइगर 3 के अंदर हमको और भी एक्स्ट्रा चीजें मिले, शायद से कोई नया स्पाई वगैरह या फिर स्टोरी का ऐसा कनेक्शन जो कि मजा दिला दे। खैर, आप इस मजे के लिए कितना तैयार है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इन मूवीज के बारे में आपका क्या कहना है, स्पाई यूनिवर्स को लेकर कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताओ। और सबसे बड़ी बात की, अगर मैंने सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला तो तुमने किया भी नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो या वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।